हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन धान्य वैभव एवं ऐश्वर्य की देवी माना गया है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सुखी एवं समृद्ध जीवन प्रदान करती है। मान्यता है कि जिस घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। वर्तमान कलयुग में मनुष्य की यही कामना होती है कि उसका जीवन हमेशा आर्थिक रूप से संपन्न रहे और उसे कभी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। माता लक्ष्मी किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने से पहले स्वयं कुछ महत्वपूर्ण संकेत देती है, जो उस व्यक्ति के जीवन में धन आगमन की ओर इशारा करता है, जिसकी मदद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। आमतौर पर लोग माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाने के लिए अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन आपका वह कार्य सफल हुआ है या नहीं, इससे पूर्व ही माता लक्ष्मी उसके आपको संकेत देने लगती है कि आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी जो संकेत देती है, उनके बारे में हम आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि हम इन संकेतों से ही पूर्व में यह अनुमान लगा सकते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होने जा रहा है। तो अभी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला जो संकेत है, सुबह सुबह उल्लू दिखाई देना। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। अगर आपको किसी भी दिन सुबह के समय उठते उठते उल्लू के दर्शन हो जाते हैं, तो यह आपके जीवन में धन प्राप्ति का एक संकेत है। दूसरा जो संकेत है, खान पान की आदतों में अचानक से बदलाव हो जाना। मान्यता है कि जिस घर में भी माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है, उस घर के सदस्यों के खान पान में अचानक से बदलाव आने लगता है। घर के सदस्यों की भूख बहुत कम हो जाती है, इन लोगों को भोजन की कम मात्रा भी पर्याप्त लगने लगती है। साथ ही घर के सदस्य मांसाहार और मदिरापान से दूरी बना लेते हैं। अगला जो संकेत है, अक्सर झाड़ू लगते हुए दिखाई देगा। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि धन संपदा की देवी माता लक्ष्मी साफ सफाई से अत्यधिक प्रसन्न होती है। कहा जाता है जिन घरों में हमेशा साफ सफाई होती है, उस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले झाड़ू को भी देवी लक्ष्मी बहुत प्रिय मानती है। अगर कभी भी इंसान सुबह सुबह जाते वक्त अपने घर से बाहर झाड़ू लगते हुए देखता है, यह एक बार नहीं कुछ दिनों से लगातार होते आ रहा है, तो इसका मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। शंख की मधुर ध्वनि सुनाई देना। हिंदू धर्म में शंख को और शंख से निकलने वाली ध्वनि को अत्यधिक शुभ माना गया है। यही कारण है किसी प्रकार के भी अनुष्ठान में, पूजा में या मांगलिक कार्यों में शंख ध्वनि की जाती है। अगर आपको सुबह आंख खुलते ही शंख ध्वनि सुनाई दे, तो इसका मतलब आपके घर में जल्द ही माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। अगला जो संकेत है, गन्ना। मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को गन्ने के रस का भोग लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माना जाता है कि अगर कोई इंसान आपके घर में गन्ना लेकर आता है, या आपका मन गन्ना खाने को करता है, या आप कभी भी सुबह सुबह उठते हैं तो आपको अचानक से गन्ना दिखाई देता है, तो यह भी आपके घर में लक्ष्मी आगमन की सूचना है। अगला जो संकेत है, अगर आपका व्यवहार अचानक से बदलने लगे। अगर किसी भी घर में देवी लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला होता है, तो उस घर के सदस्यों का व्यवहार अचानक से परिवर्तित होने लगता है। घर के सदस्यों में विवाद, कलह, मतभेद एवं राग द्वेष की भावनाएं समाप्त होने लगती है और आपसी प्रेम, स्नेह और सद्भाव में वृद्धि होने लगती है। किसी भी घर के सदस्यों में आने वाले इस प्रकार के बदलावों को लक्ष्मी आगमन से पूर्व का एक संकेत माना गया है। अगला जो संकेत है, स्वप्न। अगर आपको स्वप्न में कोई सांप बिल में बैठा हुआ दिखाई देता है, तो यह भी धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। अगला जो संकेत है,
सपने में नाचती हुई कन्या या स्त्री को देखना, यह भी माता लक्ष्मी की आप पर कृपा होने के एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह आपके धन प्राप्ति को दर्शाता है। अगला जो संकेत है, स्वप्न में आप अगर खुद को किसी पेड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं, तो यह भी अचानक से कोई धन आपको प्राप्त होने वाला है, इस बात की ओर संकेत देता है। अगला और अंतिम जो संकेत है, आपको किसी विशेष स्थान पर अगर सपने में मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ दिखाई दे, तो यह भी धन लाभ का एक संकेत है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है, इस बात का संकेत है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण संकेत थे जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो उससे पूर्व उस व्यक्ति को अपने जीवन में इस प्रकार के संकेत दिखाई देते। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी उस व्यक्ति पर मेहरबान होने वाली है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो लक्ष्मी प्राप्ति के संकेतों के संबंध में थी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।